कभी कभी होता है ना, भगवान आपके दिल की बात सुन लेता है। मेरा इस बार बहुत मन था बद्रीनाथ जाने के लिए, एंड फाइनली भगवान ने मेरी सुन ली एंड आई एम गोइंग टू बद्रीनाथ। तो दोस्तों, आज जो सफ़र है वो बद्रीनाथ की यात्रा करने वाले हैं हम लोग। और जनरली हमारी एक गाड़ी जाती थी, बट काफ़ी लोग मेरे जो फ़ैन हो चुके हैं वो कह रहे हैं कि हम भी आपके साथ जाएंगे। तो इस बार दो गाड़ी जा रही हैं, और इस बार हमारे साथ ये पुराने ट्रिप के सिमेज चिकारा जी। ये वैष्णो देवी जाके बहुत ज़्यादा भावुक होगा कि अब आपके साथ सारी यात्रा करनी है। और ये मिस्टर सनी, ये वो सनी वो वाले नहीं है, दूसरे वाले सनी देओल और जैद जो अभी गाड़ी चला रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम निकले हैं, टाइम हुआ है 9:07 सुबह के, और लगभग हमें बद्रीनाथ जाना, कितनी दूर है भाई बद्रीनाथ? 390 किलोमीटर का सफर। हम देखते हैं कितनी देर में तय करते हैं, बहुत आराम आराम से जाएंगे और रास्ते में आपको सारी चीजें हम दिखाएंगे। तो दोस्तों, जो हमारी दूसरी गाड़ी थी, काफी देर से हम पीछा कर रहे हैं, वो आगे है। और आप देख सकते हैं राणा जी ने मतलब पूरी रेस खोल रखी है इसकी। फिलहाल मैं बहुत आराम से चला रहा हूँ गाइस, और अभी हमारी गाड़ी बहुत आराम से चल रही है, क्योंकि गाड़ी में हवा भी कम है और कोई हवा वाला मिल नहीं रहा है, बट अब हाईवे मिल गया है। अब इससे हम देखिए गाड़ी आगे निकालेंगे और ये आगे निकाल के दिखाएंगे। जयद बाबू चलो कर दो जय श्री राम। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please. ओ, देखिए आप कितना क्लोज रहा, बिल्कुल आप देखेंगे ना क्लोज कॉलम। और एक बार फिर से कोशिश कर जा रही है, 1 2 3 4। और ये देखिए एक बार फिर से, ये देखिए गाड़ी की पीछे जाती हुई, और हमने इन्हें पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों काफी देर से हीरो बन रहे थे, फोन कर कह रहे थे कैसे चला रहे हो, और फाइनली अब हमारी गाड़ी से आगे हो चुकी है, और 9:58 हो चुके हैं और हम हरिद्वार मंडावली पहुंच चुके हैं, हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। हाँ जी, तो दोस्तों अब गाड़ी मैं चलाने वाला हूँ, आपको पता है मैं कितनी रॉकिंग गाड़ी चलाता हूँ, और अब आप बैठने वाले हैं क्या कहेंगे इसे, रोलर कोस्टर में। और आगे का सफर अब स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही बढ़िया व्यू आप देखने वाले हैं। गाड़ी तो ये चला रहा है बट टेंशन में हम सब है। हरिद्वार अब यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है, और अब 20 किलोमीटर बाद ही आपसे बात होगी दोस्तों, क्योंकि अब गाड़ी चलाते हुए ओनली गाड़ी चलाना है आप लोगों को भी। गाड़ी चलाते हैं ओनली गाड़ी, तो ठीक है अभी ये कंफ्यूज है क्योंकि गाड़ी चला रहे हैं थोड़ा सा, और अभी आप सबको मैं रिएक्शन नोट कराऊंगा, इनके गाड़ी चलाते हैं हम सबकी रिएक्शन, ठीक है? तो मैंने तो सीट बेल्ट पहले ही बांध ली है भैया, अब देखते हैं। सीट बेल्ट पहनना ना भूलें दोस्तों, सीट बेल्ट जरूर पहने, चलान के डर से नहीं, बट आपका घर पे कोई इंतजार कर रहा है इस वजह से। तो दोस्तों हरिद्वार से हम लगभग 10 किलोमीटर रह गए हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं चामुंडा देवी का मंदिर भी और मनसा देवी का मंदिर भी। केवल एक ही ऐसा पॉइंट आता है जब हम बिजनौर से आते हैं हरिद्वार की तरफ, यहाँ पर दोनों देवियों के दर्शन हो सकते हैं आराम से। दोस्तों हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से दो रास्ते हो जाते हैं, एक चिल्ला वाला रास्ता है और एक चंडी पुल क्रॉस करने से, तो हम चिल्ला वाले रास्ते से जाने वाले हैं, क्योंकि जो हमारी दूसरी गाड़ी है वो आगे चिल्ला वाले रास्ते से निकल चुकी है, और ये बहुत ही सुंदर रास्ता है और यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत कम होता है। I'm losing it, the noose, if it's some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing. दोस्तों हमने टी ब्रेक लिया है, घर से हम पूरी बनवा के लाए हैं, और ये इन्होंने धोखा दिया है, कहा कि घर से बनवा के लाएंगे, बनवा के नहीं लाए, ये देख सकते हैं आप दोनों। और यहाँ पर बहुत ही प्यारा व्यू, और हमारी दूसरी गाड़ी पता नहीं पीछे रुक गई है, क्या हुआ है दिखाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों ये पूरी टीम आ चुकी है हमारी, गाड़ी ने काफी तेज दौड़ाई पर पकड़ नहीं पाया हमें, हमारे उल्टी आ गई थी। और ये रीगल भाई है जो बिल्कुल लीगल है, काफी भाई ने इलीगल के नाम से भी जाना जाता है।
everybody in the world die. Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. दोस्तों, तुम्हारी वीडियो नहीं बनाएगा, हम तुम्हारी वीडियो बनाएंगे। चिकारा जी, ये नरेंद्र भाई, ये रोहित भाई, ये जड्डू, ये हमारे सुमित भाई और ये हमारे सनी भाई, ठीक है। और ये हमारा नेगी फास्ट फूड, और ये अध्यक्ष जी तरह के, और ये हमारे अध्यक्ष जी उल्टी मार, ठीक है। उल्टी आने लगी क्या? शुरू हो गया काम। नहीं यार, ये तो बंदा मैं तो पागल लगन जा, ठीक है। चलो बाकी अभी आपसे मिलते हैं रास्ते में। तो दोस्तों चाय आ गई है, ब्रेकफास्ट ये है, अभी अंदर देखते हैं क्या होने वाला है। दोस्तों मेरे पिटारे में जो निकला है पूरी, और आलू है इसमें, ये चाय, गरम गरम रोटी चिका रही, ये गरम गरम रोटी, वार्म टिश्यू, और ये कचौरी। बहुत ही बढ़िया नाश्ता घर से लेकर चले हैं, दो दिन की तैयारी। आलू टमाटर की सब्जी, बीवी ने कहा बाहर का नहीं खाना बिल्कुल भी। तो दोस्तों अभी हमने फिर एक और ब्रेक लिया है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्कूल बच्चों का। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं काफ़ी आगे, हमने श्रीनगर क्रॉस कराया है इसका भी, और अभी मैं ड्रोन का मैंने खाना है। जब से मैं ही गाड़ी चला रहा था तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई, बट अब तुम्हारा भाई उड़ाएगा ड्रोन। आ चुका है, अभी सर उड़ाएंगे, उसके बाद मैं उड़ाऊंगा, बाकी पूरा ग्रुप अपना यहाँ है। तो अभी ड्रोन के शॉट इन्जॉय करो आप लोग। दोस्तों बद्रीनाथ जाते हुए रास्ते में हम धारी देवी पर रुके, बट हमने धारी देवी के दर्शन दूर से करे क्योंकि हमें यहाँ पर ड्रोन के शॉट लेने थे। जब हम लौटते हुए आएंगे तो हम आराम से दर्शन करेंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे, इतने आप ड्रोन शॉट का आनंद लीजिए। दोस्तों 9:30 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं जोशीमठ। अब यहां से लगभग 20 से 25 किलोमीटर बद्रीनाथ है। अभी हमने यहां पर डिनर करा है और अभी हम चाय लेकर आगे देखते हैं, अभी आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि बता रहे लोग रश है, तो वहां पर पता नहीं होटल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो अभी आगे की यात्रा की अपडेट आपको बाद में दी जाएगी। अभी यहां पर बहुत ठंड हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं चारों तरफ ही यहां पर बहुत ठंड है, मौसम बहुत ठंडा है। तो अगर आप इस मौसम में आते हैं तो अपने ठंड के सारे कपड़े लेकर आए। फाइनली रात के 10:30 हमने होटल ले लिया है और ये जैन रेजिडेंसी है, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा। और ये बाथरूम गीजर वगैरह, और केवल 500 रुपये में रूम मिल गया है, बहुत ही बढ़िया। और ये हमारा वाला रूम, ठंड बहुत है दोस्तों, हीटर वगैरह की फैसिलिटी भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी के लिए अब हम सोने जा रहे हैं,
सुबह मॉर्निंग में फिर दोबारा से आपसे शेयर करेंगे आगे हमारा क्या प्लान रहेगा। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट। दोस्तों सुबह के 6:30 बज चुके हैं और ठंड बहुत ज्यादा है, नहाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है और बहुत हालत ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ पर आ गया। थोड़ी यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी है। अभी हम कंबल में बैठे हैं और नहाने का बनाते हैं प्रोग्राम। आप देख सकते हैं ठंड कितनी हो रही है यहाँ पर, ये कंबल के अंदर घुसने को तैयार है। उठ जा भाई, नहा लो, तैयार है हम। दोस्तों टेम्परेचर आप देख सकते हैं -3 degree टेम्परेचर है और हालत ऐसी हो रही है। तो दोस्तों अभी मैं मॉर्निंग व्यू आपको दिखाने वाला हूं। अभी मैं सो के मतलब अब कंबल से फाइनली निकल गया हूं। हिम्मत नहीं हो रही थी बट जाना है क्योंकि आज का पार्ट बंद होने 3:30 बजे, तो हम जितना जल्दी पहुंच जाएंगे उतना बेटर है। तो अभी मैं आपको व्यू शेयर करता हूं यहां पर। और ये हमारा होटल, एक्चुअली यहां पर इतने लग्जरी होटल अवेलेबल नहीं है क्योंकि यहां पर 6 months ऑफ ही रहता है। तो फिर भी हमें रात काफ़ी अच्छा रूम मिल गया है अगर आप आए। एक्चुअली ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड होटल है, मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। जयंत रेजिडेंसी और नंबर मैंने वीडियो में ले लिया है, आप यहाँ अगर आए तो पहले बुकिंग भी करा सकते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ नवीन चौहान जी हैं जो जोशीमठ में होटल में यहीं पर रहते हैं और ये हमें कुछ फैक्ट्स बताएंगे बद्रीनाथ के बारे में जो हम आपसे भी साझा करेंगे। तो नवीन जी बताइए बद्रीनाथ में कैसे दर्शन करने चाहिए, रीगल जी पीछे झांकते हुए। हाँ जी, आज तो दर्शन होंगे, आज पहले ब्रह्म कमल लेने जाना पड़ेगा। ब्रह्म कमल लेने जाना पड़ेगा। ब्रह्म कमल कितनी दूरी है वहाँ से, क्या नाम है बद्रीनाथ से? होगी 3-4 किलोमीटर ऊपर। अच्छा, पहले 3-4 किलोमीटर पे एक फूल खिलते हैं जिसका नाम ये बता रहे ब्रह्म कमल, वो लेके जाना है। उसके बाद फिर नीचे आना है, उसको वहाँ रखना है और ज्योति दर्शन करना है। अच्छा, ब्रह्म कमल को वहाँ चढ़ाना है। और आज बताते हैं जैसे कपाट बंद होते हैं तो एक ज्योति जलाई जाती है और जब कपाट खुलते हैं वो ज्योति जलती हुई मिलती है। तो आज हमें ज्योति देखनी है, उसके बाद जिस दिन कपाट खुलेंगे उस दिन भी आना पड़ेगा। अच्छा, तो हमारी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। तो जो लोग लास्ट डे आते हैं वो ज्योति देखते हैं, ब्रह्म कमल चढ़ाते हैं, फिर जब कपाट खुलते हैं फिर दोबारा आते हैं तो उनकी यात्रा पूरी होती है। तो बहुत ही बहुत धन्यवाद नवीन जी। और नवीन जी ने एक पहाड़ भी दिखाया यहाँ से, ये देखिए, आपको पता नहीं समझ में आ पाएगा नहीं आ पाएगा, झंडी खाता इसे जो है ये बता रहे हैं कि ये हाथी पहाड़ है। आप देखिए हाथी की पीठ और ये इसका क्या बोलेंगे सूंड, कहाँ है सूंड, ये नीचे जा रही है, कहाँ जा रही है। तो इसका नाम जो है पहाड़ का हाथी पहाड़ी से बोलते हैं। आप ये देख सकते हैं जा रही है, बट पानी बहुत ठंडा है। वैसे हमारा गीजर ऑन है तो अभी देखते हैं क्या होता है। नाना भैया कह रहे साबुन लगा लो, मैंने ऐसे नहा ले तो ही बहुत बड़ी बात है। पानी भी देखिए कितने देर शांत बैठा, कोई से छूने वाला नहीं आया क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड है। नवीन भाई बाय बाय, मौका लगा तो लौट कर आ सकते हैं। लौट कर आएंगे, कुछ सामान मिलेगा तो फोन कर दियो। तो नवीन भाई को हमने बाय कर दिया है दोस्तों और अब जाने की तैयारी हो चुकी है। फाइनली एक गाड़ी हमारी निकल चुकी है, वो हमें छोड़ के भाग गए हैं गाली देकर कि सालो तुमने बहुत लेट कर दिया है। और अब गाड़ी हमारी स्टार्ट होने वाली है और यही रास्ता बद्रीनाथ जा रहा है। I feel like I'm losing my mind. Is
everybody in the world die. Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. दोस्तों लगभग 20 किलोमीटर की दूरी रह गई है बद्रीनाथ की, और सबसे अच्छी बात यह रही कि हमारा निकलने का टाइम बहुत बढ़िया रहा, हमें रास्ते में अभी तक कोई भी ट्रैफिक नहीं मिला है। तो अगर आप भी जिस दिन कपाट बंद होते हैं तो इस टाइम मॉर्निंग में निकल सकते हैं, मतलब यहाँ से जोशीमठ आकर, तो बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल रोड एकदम क्लीन है, उधर से आने वाले लोग भी कम है, और आप व्यू देख सकते हैं एकदम अल्टीमेट व्यू। दोस्तों आप रोड देख सकते हैं किस तरह से, मतलब इंजीनियर्स ने कितनी मतलब टेक्निकलिटीज करके इस रोड को बनाया होगा। ये देखिए ऊपर रॉक है और नीचे से रोड निकल रही है, बहुत ही प्यारा व्यू। और आपको ये सारे नज़ारे घर बैठे भी देख सकते हैं जो लोग यहाँ आने में असमर्थ हैं। दोस्तों ये लोग सुबह मुंह बनाकर निकले थे और हमने फाइनली इन्हें पकड़ लिया है। पता नहीं कैसे गाड़ी चला रहे हैं लोग, समझ ही नहीं आ रहा। दीदी को देखो, दीदी सोच रहे थे हमसे पहले पहुंच जाएंगे बट ऐसा नहीं हुआ। टॉपी मास्टर निकल के पीछे। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. दोस्तों बर्फ के पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं और हवा बहुत ठंडी है। No mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. Dosto. जैसे ही एंट्री के लिए भंडारे का प्रसाद मिल गया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तों भी बद्रीनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं हम पैदल पैदल, और अभी देखते हैं ड्रोन यहाँ पर उड़ा पाएंगे नहीं उड़ा पाएंगे, अभी चौकी आ रही है परमिशन का पता करेंगे। तो दोस्तों बहुत ठंडा है, ऐसा लग रहा है कि दांत बिल्कुल जम से गए, और अभी देखते हैं क्या होता आगे। तो दोस्तों अभी परमिशन का पता करने जा रहे हैं। तो दोस्तों हम बद्रीनाथ धाम के मंदिर के बिल्कुल पास आ चुके हैं। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, जो लोग घर से दर्शन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है कि वो भी इसका लुक उठा सके घर बैठे बैठे। आज का पार्ट बंद होने तो देखिए बहुत ही अच्छी डेकोरेशन भी हुई हुई है। आगे चलते हैं। दोस्तों जैसे मंदिर की जो मेन एंट्री है आप राइट हैंड साइड आएंगे तो यहाँ पर एक तप्त कुंड है जहाँ पर गर्म पानी का एक कुंड बना हुआ है। यहाँ पर जो भी भक्तजन आते हैं पहले यहाँ पर स्नान करते हैं फिर उसके बाद दर्शन के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं नज़ारा कैसे लोग नहा रहे हैं यहाँ पर, और ये है तप्त कुंड, भाप भी निकल रही है यहाँ से। तो अभी हम लाइन में खड़े हुए वेट कर रहे हैं और रिगल भाई बाकी और जनता। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, पता नहीं आज दर्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे।